हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद लॉक्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ए टीपीओ एंड एडब्ल्यू, जिसमें वैकेंसी किस स्टूडेंट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट करे थे इसमें ये फेक है और इसमें नेगेटिव मार्किंग, हर किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है एसएससी के एग्जाम में। तो मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो वीडियो तो स्टार्ट होने पर अगर आप चैनल पर ना तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आगे की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक साइड में आपको एक वीडियो चल जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ऑफिशियल नोटिस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके सर्च करना है, जैसे सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो आपको एक उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस पर वापस लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक दिल्ली पुलिस की एक टाइटल यानी कि टाइटल लिखा हुआ होगा, टाइटल लिखा हुआ होगा तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको आगे एक नोटिफिकेशन दिया होगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड ऐसे दिल्ली पुलिस का। तो उसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसको पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल करना है, जहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है तो उसके जस्ट ऊपर इसका दिया हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो यही अपडेट है, जानकारी तो सभी को पता चल गई है होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर कोई स्टूडेंट इसमें 100 से 100 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा और कट ऑफ आई जाने का कारण भी यही बना रहेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपनी तैयारी को मजबूत कर शायद इसमें 10 यानी कि नवम्बर नहीं अक्टूबर में इसकी एग्जाम है सही। तो अपनी तैयारी को मजबूत कर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो उसको वापस सॉल्व करें और देखिए कि कहाँ मैंने गलती की, जिससे आपका टारगेट थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही अपडेट थी, आगे की वीडियो में जल्द मिलेगी न्यू अपडेट के साथ। तो ऐसे ही बने रहे, तो जय हिंद जय भारत।